नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेटोनिन एसटी सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बेटोनिन एसटी सिरप को कैसे लेना चाहिए और बेटोनिन एसटी सिरप की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि बेटोनिन एसटी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बेटोनिन एसटी सिरप एक मल्टीविटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना ज़रूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमज़ोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, बार बार बीमार पड़ना, त्वचा में रूखापन होना, बालों का गिरना और मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द रहना आदि लक्षण शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेटोनिन एसटी सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर बेटोनिन एसटी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। बेटोनिन एसटी सिरप का उपयोग शरीर की ग्रोथ व शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर बेटोनिन एसटी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए बेटोनिन एसटी सिरप को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर बेटोनिन एसटी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में भोजन से विटामिन्स को सोखने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर बेटोनिन एसटी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज़्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर बेटोनिन एसटी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, ऐसे व्यक्तियों में भी विटामिन्स की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उन व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर बेटोनिन एसटी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। जो व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर बेटोनिन एसटी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए शराब का ज़्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर बेटोनिन एसटी सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। बेटोनिन एसटी सिरप शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करती है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है। इसके अलावा बेटोनिन एसटी सिरप शरीर में खून की कमी होने से भी बचाव करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेटोनिन एसटी सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। बेटोनिन एसटी सिरप को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। बेटोनिन एसटी सिरप को खाली पेट लेने से पेट दर्द होना या उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज़्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर बेटोनिन एसटी सिरप को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। ज़्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 4 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक बेटोनिन एसटी सिरप को लगातार लेने की सलाह देते हैं। बेटोनिन एसटी सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बेटोनिन एसटी सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। बेटोनिन एएसटी सिरप को आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ बेटोनिन एएसटी सिरप को न लें, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ बेटोनिन एएसटी सिरप को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटोनिन एएसटी सिरप की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। बेटोनिन एएसटी सिरप को लेने के बाद कम से कम 20 मिनट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए। बेटोनिन एएसटी सिरप को कितने दिन तक लेना चाहिए, यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बेटोनिन एएसटी सिरप एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो आप बेटोनिन एएसटी सिरप को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू, बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने बेटोनिन एएसटी सिरप को लेने की सलाह दी है तो आपको बेटोनिन एएसटी सिरप को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे बेटोनिन एएसटी सिरप एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज़्यादातर व्यक्तियों में बेटोनिन एएसटी सिरप की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में बेटोनिन एएसटी सिरप की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुँह का स्वाद खराब होना, पेट दर्द होना, दस्त होना या कब्ज होना आदि। साइड इफ़ेक्ट्स बेटोनिन एएसटी सिरप की वजह से हो सकते हैं। बेटोनिन एएसटी सिरप की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। बेटोनिन एएसटी सिरप को रेकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज में लेने पर बेटोनिन एएसटी सिरप की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है, इसलिए आपको बेटोनिन एएसटी सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेटोनिन एएसटी सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बेटोनिन एएसटी सिरप को लेने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए ताकि दवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मल्टीविटामिन कैप्सूल या सिरप प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कच्चे फलों या सब्जियों से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल या सिरप को तभी लेना चाहिए जब बहुत ही ज़रूरी हो या डॉक्टर ने मल्टीविटामिन कैप्सूल या सिरप को लेने की सलाह दी हो। बेटोनिन एएसटी सिरप का डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीविटामिन्स को कम या ज़्यादा मात्रा में लेने पर बच्चे की सेहत प्रभावित हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बेटोनिन एएसटी सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर आप पहले से ही कोई मल्टीविटामिन दवा ले रहे हैं तो बेटोनिन एएसटी सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि एक साथ कई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने से ओवरडोज हो सकती है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या बेटोनिन एएसटी सिरप वजन को बढ़ाती है या नहीं। बेटोनिन एएसटी सिरप एक मल्टीविटामिन सिरप है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। विटामिन न तो वजन को बढ़ाते हैं और न ही वजन को घटाते हैं, इसलिए बेटोनिन एएसटी सिरप आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका बेटोनिन एएसटी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।